इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से पहले बहुत पसीना बहा रहे हैं। मुंबई को अपना पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 19 सितंबर को खेलना है। मुंबई इंडियंस ने बुधवार को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें रोहित गेंद को मैदान से बाहर हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में रोहित आगे बढ़कर गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से मार रहे हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि रोहित के बल्ले से निकला शॉट स्टेडियम के बाहर से गुजर रही बस को जा लगा। मुंबई इंडियंस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ लिखा, बल्लेबाज छक्के मारते हैं, लीजेंड स्टेडियम पार करते हैं, हिटमैन सिक्स मारता है, प्लस स्टेडियम पार करता है, प्लस एक चलती हुई बस को मारता है। रोहित इस लीग के सबसे सफल कप्तान हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी शुरू होने से पहले रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे थे। उनका बल्ला खूब रन बरसा रहा था। हालांकि कोरोना वायरस के चलते क्रिकेट सहित सभी खेल गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।